दोस्तों अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजमान होने वाले हैं, जिसके लिए 22 जनवरी 2023 का दिन चुना गया है। इस शुभ दिन पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का अति शुभ मुहूर्त रहेगा, जो दोपहर 12:29:08 से शुरू होकर 12:30:32 तक रहेगा। रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बाद महापूजा और महाआरती होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 22 तारीख का दिन ही क्यों चुना गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों पंचांग अनुसार 22 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, नक्षत्र मकरसिरा और योग ब्रह्मा है। दोस्तों 22 जनवरी को 3 शुभ योग रहेंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग। ये तीनों ही योग किसी भी शुभ काम को संपन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि इन योगों में कोई भी कार्य करने से सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों 22 जनवरी को कर्म द्वादशी भी है, ये द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होगी। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने कुर्म यानी कछुए का अवतार लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान श्री राम भगवान विष्णु का ही अवतार है, इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना जा रहा है। वैसे दोस्तों क्या आपको इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।